सुकून माहौल मुसाफिरों के लिए बाहें फैलाए बरगद के बूढ़े दरख्त और इनमें गहरी खूबसूरत इमारत, ये दिलकश मनाजिर हैं इस्लामाबाद के तारीखी गोलड़ा रेलवे जंक्शन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को इस स्टेशन के बारे में आज बताऊँगा, मालूम दूंगा। तो यह स्टेशन जो है 1881 में बना है और इसमें जो है ख़ास जो बात है, एक तो ये ख़ास बात है कि इस्लामाबाद गोलड़ा शरीफ के पास है और दूसरा इसमें जो ख़ास बात है कि ये म्यूज़ियम की वजह से ये बहुत मशहूर है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है तो पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की सिग्नल डिपार्टमेंट की हो गई, गैंग की हो गई और ऑपरेशनल जो है तो इस तरह की पुरानी बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। पाकिस्तान में रेलवे का आगाज़ 13 मई 1861 को कराची कोटरी रेलवे लाइन से हुआ और फिर 1881 में गोलड़ा रेलवे स्टेशन बना। इस रेलवे स्टेशन ने पाकिस्तान बनते देखा तो अब इसका एक हिस्सा म्यूज़ियम की सूरत माजी की हसीन यादों का मुहाफिज है। म्यूज़ियम में 1869 का बाप से चलने वाला रेलवे इंजन और 1892 के डीजल इंजन के मॉडल के साथ कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल बर्तन और लॉर्ड माउंटबेटन का कैरोसिन लैंप भी रखा गया है। रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल टेलीफोन, लालटेने, घड़ियां और सिग्नल्स भी माजी का हाल सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सरताज खान ASM गोलड़ा स्टेशन से तलक है मेरा। वो ये इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते चलें कि ये 1881 में बना गोलड़ा रेलवे स्टेशन और अब तक वही स्ट्रक्चर है इसका और सिर्फ रेनोवेट कर लेते हैं, बिल्डिंग वही है पुरानी बिल्डिंग के साथ। इधर और म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसमें तारीखी चीज़ें और आगे कुछ गाड़ियां हैं, हमारे पास सैलून्स हैं कायद आज़म साहब की रहमतुल्लाह अलैह की, एक कोच है हमारे पास, लॉर्ड माउंटबेटन पुश ट्राली है उसकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें यहाँ पे जो यहाँ पे विज़िट करते हैं तो उनको ही पता चलता है कि कितनी बेहतरीन यहाँ पे म्यूज़ियम में आइटम्स पड़ी हुई हैं। और मेरा जो काम है यहाँ पे वो ऑपरेशनल वर्क है, ट्रेनों की आमद और रफ्त के साथ ये तल्लुक है मेरा। दो ट्रेन्स आती हैं तो एक को साइड पे रोक के जो बग़ैर स्टाफ वाली हैं दूसरी को चला देते हैं, एक वेट करती है यहाँ पे और दूसरी बाद में चलती है फिर। और कुछ ट्रेन ऐसी हैं जहाँ पे जो आती है 2 मिनट का स्टॉप करके फिर अपनी मंजिल की तरफ आगे चल पड़ती। तारीखी गोलड़ा स्टेशन से रेल का सफ़र करने वाले मुसाफरों का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है तो सयाहों की तादाद भी कम नहीं है।